फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 30 चैन बुन ली है और 30 चैन बुनने के बाद आपने 3 चैन और बुननी है। 1, 2, 3 तीन चैन बुनेंगे और इन 3 चैनों को स्किप करके चौथी वाली चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ये हमारी फर्स्ट रो है और मेरा क्रोशिया नंबर भी 4 है। तो फ्रेंड्स, आपने देखिए फर्स्ट रो में हर चेन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। तो फर्स्ट रो तो बहुत इजी है, इसलिए मैं इसे कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स, ये मैंने डबल क्रोशे से 29 टाइम बुना है। अब देखिए, यहीं से हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स, आपने देखिए 5 चैनों में डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए, ये एक ये चैन और एक ये 2 हो गए। 2 के बाद देखिए ये 3, 4 और ये 5, ये हमारे किनारे के 5 हो गए हैं। अब आपने 1, 2, 2 चैन बुननी हैं और देखिए 1 और 2 स्किप करके थर्ड में आपने डबल क्रोशे से एक बार बुनना है। इस तरह फिर आपने देखिए 1 और 2, 2 चैन बुननी हैं और देखिए 1 स्किप करके सेकंड में आपने डबल क्रोशे से एक बार बुनना है। इस तरह फिर देखिए 1, 2, 2 चैन बनेंगे और देखिए 1, 2 स्किप करके थर्ड में यहाँ आपने डबल क्रोशे से 1, 2, 3, 4, 5 देखिए डबल क्रोशे से मैंने 5 टाइम बुन लिया। अब देखिए 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे। 1 और 2 स्किप करके थर्ड में आपने डबल क्रोशे से पहले एक बार बुनना है। फिर देखिए 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे। 1 स्किप करके सेकंड में आपने डबल क्रोशे से एक बार बुनना है। फिर 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे और 1, 2, 2 स्किप करके थर्ड में आपने डबल क्रोशे से बुनना है 5 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5 तो इस देखिए इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब थर्ड रो जो स्टार्ट करेंगे वो देखिए 1, 2, 3 तीन चैन बुनेंगे और जो किनारे में है इसको इसी तरह बुनेंगे। देखिए किनारे में हमने 5 टाइम बुनना है। देखिए किनारे के 5 टाइम हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अब आपने क्या करना है, 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे और एक बल लेंगे और देखिए ये जो आपने बनाई थी इसके बीच में से यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए 8 टाइम हो गया ये। अब आपने क्या करना है, हर 2 में से इसको निकालना है। 2 फंदों में से आपने इस तरह बुनना है। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट में 9। इस तरह से देखिए ये पत्ती सी बनेगी, हो गई थी। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने एक चैन बुननी है और यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने क्या करना है, देखिए
यहाँ से आपने नीचे यहाँ इस तरह से एक एक के बाद आपने फिर से इसी में दो तीन चार पांच। देखिए पांच का हमने पफ स्टिच बनाया और इनको इस तरह से कर देंगे। फिर आपने एक एक चैन बुनी और एक चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ अब आपने इधर की साइड भी पत्ती बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। देखिए आठ हो गए। अब आपने हर दो में से इसको पास करना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी तितली सी तैयार हो गई है। ये एक तरफ है, ये एक तरफ और बीच में पफ स्टिच है इस तरह से। फिर आपने क्या करना है देखिए, एक एक चैन बुननी है और देखिए यहाँ आपने बीच में फाइव टाइम बुनना है। यह रो में हम फाइव टाइम ही बुनेंगे। दो तीन चार पाँच। फिर आपने क्या करना है, एक एक चैन बुननी है और देखिए यहाँ इस इधर से फिर से हमने पत्ती बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छ छ सात आठ। फिर इस तरह से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और इस तरह से एक साइड की पत्ती बन गई। अब आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। फिर देखिए ये देखिए यहाँ यहाँ सेकंड में यहाँ जो नीचे है ना आपको यहाँ से आपने इस तरह से एक पफ स्टिच लेना है, थोड़ा बड़ा सा लेना है फंदा। एक आपने फाइव टाइम करना है। दो तीन चार और ये पांच। फिर आपने इन सबको एक साथ बुन देना है इस तरह। फिर देखिए एक एक चैन बुनेंगे। अब आपने इधर बुन लिया था, अब आपके देखिए ये जो है अब आपने इस वाले जाली में भी एक टाइम बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और अब आपने हर दो में से पास करना है अपना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। फिर आपने देखिए यहाँ कॉर्नर ये जो आपका किनारा है यहाँ आपने फाइव टाइम बुनना है। एक
दो तीन चार और ये पांच। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, सीधी तरफ से ही लगाएंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी, अब ये फोर रो है, यहाँ से आपने थर्ड रो लगानी है। थर्ड रो के लिए यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है, यहाँ फिर एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे। और ये देखिए किनारे पे जो आपके फाइव थे आपने पहले फाइव टाइम ही बुनना है। दो हो गए, तीन, चार, और ये पांच हो गए। देखिए दो चार पांच, फिर आपने ये देखिए यहाँ छः, छः के बाद देखिए यहाँ सात आठ नौ दस ग्यारह। फिर देखिए जो बीच में फाइव टाइम थे यहाँ, तो फ्रेंड्स देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो में 29 टाइम बुना था, इसी तरह मैं इस रो में भी 29 टाइम डबल क्रोशिया से बुनकर बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें भी 29 टाइम बुना है फर्स्ट रो की तरह। अब देखिए सेकेंड रो, इसके ऊपर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो जो बुनेंगे, तो देखिए इस तरह से बुनेंगे एक दो तीन, फिर इसे पलट लेंगे। और देखिए किनारे में पहले तो आपने फ्रेंड्स फाइव टाइम ही बुनना है, एक दो तीन चार। देखिए एक लगा के एक दो तीन चार पांच, फिर देखिए एक दो चैन बनेंगे। फिर आपने देखिए एक स्किप करके दो स्किप करके थर्ड में यहाँ आपने फिर से सेकंड रो की तरह बुनना है, एक और दो दो चैन, फिर एक स्किप करके सेकंड में इस तरह से, फिर आपने एक दो दो चैन, एक दो स्किप करके थर्ड में यहाँ। अब अपने बीच में जो थे आपके देखिए ये बीच में इसी के ऊपर आया है, तो बस आपने यहाँ फाइव टाइम बुनना है, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर देखिए एक और दो दो चैन, एक दो स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशिया से एक बार, फिर एक और दो दो चैन, एक सेकंड में, फिर एक और दो दो चैन, देखिए एक स्किप करके यहाँ से आपने फाइव टाइम बुनना है, दो स्किप करके थर्ड में, एक दो तीन चार और यहाँ पांच। इस तरह से देखिए हमारी फाइव रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए तीन चैन बुनेंगे, अब हमारी सिक्स रो चल रही है। तो तीन चैन बनने के बाद साइड में तो आपने फ्रेंड्स फाइव टाइम ही बुनना है, एक दो तीन चार और एक चैन लगा के पांच, दो चार पांच, फिर देखिए एक एक चैन बनेंगे। और देखिए यहाँ अब आपने यहाँ एट टाइम बुनना है, एक आपने इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखिए आठ हो गए, आपने हर दो में से निकाल लीजिए इसको आराम आराम से, एक यानी हर दो फंदे आपने बुनने हैं।
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये लास्ट में नौ। इस तरह से फिर आपने यहाँ एक इस तरह से जॉइंट करना है, फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए एक बल लेंगे और यहाँ देखिए ये यहाँ से आपने इस तरह से एक आपने इस तरह से पफ स्टिच बनाना है 5 टाइम का। दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से। फिर आपने एक चैन बननी है, एक बल लेना है और देखिए अब हम इधर भी बनाएंगे, यानी यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और फिर इन दो में से निकालेंगे, एक, दो, आठ और एक नौ। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी दोनों तरफ प्यारी सी खूबसूरत सी बटरफ्लाई तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से जैसे मैंने ये बनाई है तितली, इसी तरह मैं यहाँ भी बनाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड ये सिर्फ 3 ही रो का डिज़ाइन था और ऊपर भी मैंने आपको रिपीट करके दिखा दिया और बनने के बाद देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।